महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आज सुबह एक हादसा हो गया। रत्नागिरी जिले के खेड़ इलाके की एक फैक्ट्री में शनिवार सुबह ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट के बाद वहां आग लग गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। रत्नागिरी के खेड़ तालुका में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में एक बड़े धमाके के बाद भीषण आग लग गई। ताजा जानकारी के मुताबिक इसमें 4 लोगों की मौत और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जिस दौरान ये दुर्घटना हुई उस समय फैक्ट्री में 40 से 50 लोग थे। फिलहाल सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। रत्नागिरी फायर ब्रिगेड से मिली जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में आग बॉयलर में धमाके के बाद लगी। इस दुर्घटना के समय बॉयलर के आसपास ही कुछ लोग काम कर रहे थे। दुर्घटना में घायल हुए कई लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं और उन्हें रत्नागिरी के जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची हुई हैं। आपको बता दें कि बॉयलर का धमाका इतनी तेज था कि आसपास के तकरीबन 5 किलोमीटर के इलाके में इसकी आवाज सुनाई दी थी।